हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। दोस्तों, जेपी पावर में कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हुई है और हम सभी जानते हैं कि जेपी पावर का जो स्टॉक है पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार एक अच्छा खासा अपसाइड भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सो क्या हमें दोस्तों यहाँ पर अभी खरीदारी करनी चाहिए और क्या लॉन्ग टर्म में दोस्तों यहाँ पर खरीदारी करना सही होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में लेने वाले हैं। और साथ में क्या लेटेस्ट अपडेट आई हुई है इसे भी जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर। लेकिन दोस्तों अभी जो स्टॉक है तकरीबन 8.45 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तकरीबन 6% से ज्यादा ये दोस्तों स्टॉक ऊपर है। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो दोस्तों वॉल्यूम के मुकाबले में ये स्टॉक जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक हाई लेवल पर पहुंच चुका है। इवन टॉप 5 में दोस्तों ये ऑलरेडी आ चुका है। वॉल्यूम के मामले में 58 करोड़ का दोस्तों वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और अगर हम बात करें यस्टरडे की तो उस दिन भी मतलब थर्सडे को भी दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 58 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जिसमें से तकरीबन 17 करोड़ स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी में उठाए गए थे। इस बीच दोस्तों एक खबर आई कल के दिन और उस खबर के चलते कई लोगों के दोस्तों एक मैसेजेस आए कि क्या सच में हमें जेपी पावर में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों क्या न्यूज थी, देखिए मैंने कल इस न्यूज को कवर भी किया था, लिखा हुआ है यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव 12,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है ग्रीन एनर्जी को। तो इसके चलते क्या हमें जेपी पावर जो कि कम्प्लीटली एक कोल एनर्जी को दोस्तों सपोर्ट करता है, वहां पर हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है। दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसी क्वेश्चन को अभी देखने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये समझनी चाहिए, जो हमें अभी यहाँ पर जितना भी दोस्तों पावर जनरेशन अभी होता है हमारे यहाँ पर, उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए कितना पावर जनरेट होता है दोस्तों, तकरीबन 3-4% या मैक्सिमम 5% से ज्यादा दोस्तों एनर्जी जनरेट होती है थ्रू द ग्रीन एनर्जी। सोलर एनर्जी को बोल लीजिए दोस्तों, या फिर चाहे आप बोल लीजिए विंड एनर्जी को, इन सभी जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं उनके जरिए तकरीबन 5% से दोस्तों कम ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि कोल एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है और इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों पावर सेक्टर में अभी भी जेपी पावर इतने भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कोल को, वो काफी ज्यादा दोस्तों आगे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर में भी ये रेशियो ऐसा ही रहेगा या फिर फ्यूचर में दोस्तों ये चेंज होने वाला है और कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी ही दोस्तों छाने वाला है। देखिए इसमें कोई भी शक नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक कम्प्लीट दौर आने वाला है, लेकिन दोस्तों इसे आते आते अभी बहुत टाइम लगना है। प्लस अगर आता भी है सपोज, तो ये जो रेशियो है अभी आप अगर आप बोले तो 90-95% जो है वो थ्रू द कोल और जितने भी इस तरीके के एनर्जी जनरेशन है दोस्तों वहां से जनरेट होता है, और जबकि 5% केवल होता है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। तो ये रेशियो जो है तकरीबन 50-50 के अराउंड पहुंच पाएगा आने वाले 2030 तक मानकर चलिए। तो इतना लंबा समय दोस्तों अभी भी है। और अगर हम देखें तो ग्लोबली अगर हम बात करें, देखिए इस रिपोर्ट को देखें समझ में आएगा आपको, लिखा हुआ है कि ग्लोबली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज ग्रोइंग फास्टर देन रिन्यूअल्स ड्राइविंग स्ट्रॉन्ग इंक्रीजेस इन जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। सो यहाँ पर ये साफ साफ दोस्तों दर्शाता है कि देखें डिमांड बहुत ज्यादा है पावर की और रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों कम्प्लीटली उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बल्कि उसके आसपास भी दोस्तों नहीं है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं अभी भी जितने भी कोल के जरिए पावर जनरेट होता है दोस्तों उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं जितने भी स्टॉक्स हैं लाइक जेपी पावर दोस्तों वहां पर हमें अभी बढ़त दिखाई दे सकती है। और ये जो कंजप्शन है ग्लोबली दोस्तों ये अभी और इंक्रीज होने वाला है और रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफॉर्म होने में ही हमको अभी कम से कम 5-6 साल लगेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो परसेंटेज है आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन दोस्तों कम्प्लीटली 100% नहीं होगा, उसे होने में डेफिनेटली अभी कम से कम आप मान कर चलें कम से कम 20-30 साल तो दोस्तों कहीं नहीं गए। और ये भी दोस्तों मैं बहुत कम बोल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी जो अपने मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि 2070 तक वो जीरो कार्बन का एक एम देखते हैं। तो दोस्तों जब हमारे पीएम ने 2070 बोला है दैट मींस कि वो कब तक और कंप्लीट होगा आप ये खुद सोच कर देख सकते हैं। सो इस नजरिए से दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी भी जेपी पावर जैसे स्टॉक्स में दोस्तों अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें काफी अच्छी बढ़त भी दिखाई दी। तकरीबन दोस्तों ये स्टॉक जो है अपनी 52 वीक दोस्तों हाई पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। आज ही दोस्तों अगर हम बात करें तो ये स्टॉक्स ने तकरीबन हाई बनाया था
8.75 रुपए का क्लोजिंग जो है दोस्तों उसने दी है तकरीबन 8.45 रुपए के आसपास। और यहाँ पर दोस्तों हमें अभी आने वाले टाइम पर और भी तेजी नजर आ सकती है। तकरीबन ये स्टॉक जो है आपको इजीली दोस्तों अराउंड 12 से 13 के करीब करीब ज्यादा वो नजर आएगा आने वाले एक महीने के अंदर ही। तो दोस्तों पोटेंशियल काफी अच्छा है यहाँ दोस्तों, डेफिनेटली हम खरीदारी कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। मैंने आपको फंडामेंटली बताया कि यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि लोग बहुत ज्यादा जिस चीज का बहुत बड़ा इश्यू बना रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के आते ये सारे स्टॉक डूबने नहीं वाले हैं, वहां पर भी ग्रोथ होगी, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक भी नहीं डूबेंगे, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या नजरिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कि इस स्टॉक में अभी और ग्रोथ बाकी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या नजरिया है। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूं मैं, प्लीज इसे बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन ना समझें, खुद एनालिसिस करें और लगता है तभी दोस्तों यहां पर बाइंग कीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो में। जय हिंद।